जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका ट्यूटर आपका तनवीर अहमद, आपका टीचर AIOU विद विफ्टी अपने अच्छे चैनल के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है। और कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि APA फॉर्मेट को हमने अपने असाइनमेंट्स को नेक्स्ट जो आगे हम कंपोज करना है 21 से सेपरेट 21 से, तो उसको हमने APA स्टाइल में APA फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाए। मैनुअली सिलेक्शन भी हो सकती है डियर स्टूडेंट, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें फॉर्मेट यही होता है कि आपका जो हेडिंग है वो 16 होती है, सब हेडिंग 14 पॉइंट पर होती है और टाइटल शाइटल जिसको आप बोलते हैं और उसका जो फॉन्ट साइज है वो 12 का होता है। ये सिंपल सा है, उसमें हेड एंड फुटर को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तीन चार चीज़ें होती हैं, मैनुअली भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके हर वर्जन में, आपके हर लैपटॉप में, हर आपके कंप्यूटर में जो है ना वो एक हर किस्म का फॉर्मेट होता है। तो आइए मैं ऑटोमेटिकली हम उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ, ये आपका APA एक्चुअल फॉर्मेट है, ठीक है। ये मैंने उसको टाइटल दिया हुआ है, उसको इसको डाउनलोड करने के बाद या इसको पहुंचने के बाद यहाँ तक आपने कैसे पहुंचना है, ये मेरा टाइटल था, सब्जेक्ट है, ये पेज नंबर है, इसको पेज नंबर को यहाँ से आके पेज नंबर इसको सिलेक्ट भी करके जो है ना वो आप राइट पे कर दें तो वेल, नहीं तो नीचे मुझे जो है ना वो इसमें बॉटम पर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी जो असाइनमेंट तैयार की हुई है वो मैं आपको थोड़ी देर इसके बाद मैं दिखाऊँगा वैसे ही, या इसको आप फुटर पे कर सकते हैं, इसको हेडर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन मौजूद होती है। तो आइए इसको आपने हमने ऑटोमेटिकली कैसे सिलेक्ट करना है उसकी तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। इसको करते हैं क्लोज, तो आएंगे फाइल पे, फाइल पे आने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शन हो गए। सर्च बार में जाना है, सर्च बार में जाने के बाद आपने लिखना है APA, APA लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये आपकी जो है ना वो स्टाइल जो है ना वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करके ले आया जाएगा। तो ये देखें ना APA फॉर्मेट, तो डियर स्टूडेंट ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, तो आपके सामने ये पेज रनिंग हालत में आ जाएगा जिसमें आपने ये यहाँ पे आपने इसको क्लिक करने के बाद आपने टाइटल लिख देना है, ऑटोमेटिक पेज भी है तो इसको टाइटल देने के बाद इसको क्लोज कर लेंगे। फिर आपने यहाँ पर लिख देना है जैसे ये मैंने यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा था, ये देखें ये मैंने दिया हुआ है ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसमें पेज नंबर भी आ जाएगा, तो आपने ऐसे ही जो है ना वो सारे के सारा टाइटल है, ऑथर है, अफिलिएशन है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ भी आप लिखेंगे सारी की सारी हेडिंग कैसे देनी है, अब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, अगर आपने लिखना हो टाइटल ऑफ पेपर कैसा होगा, हेडिंग, तो ये सारी की सारी तो वैसे तो थीसिस के लिए सारे का सारा फॉर्मेट होता है, लेकिन अगर आपने आला अपने मास्टर्स क्लासेस की तरफ जाना है, फिर PhD की तरफ जाना है, ये सारे के सारे वो नीचे वाला उनके लिए होता है। आपने सिंपली ये सारे के सारे सिलेक्शन करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपका इसी पेपर में जब आप काम करेंगे, इसी फाइल में आप काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एडिशन जो है ना उसमें ऐड होता जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको अपनी एग्जाम्पल भी देता हूँ, ये मेरा अपना थीसिस है जाती है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, तो इसको मैंने ये टाइटल दिया हुआ है, ये तैयार किया हुआ है APA फॉर्मेट के मुताबिक। तो ये मेरा जो है ना पेज नंबर इसका आपको 1 पे नजर आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट, ये एक्चुअली ये थीसिस है, आपने असाइनमेंट आपको कैसे देनी है, मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल है जो आप लोगों को अपना दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैंने ज़्यादा कर दी है। नेक्स्ट मैं ऑटोमेटिकली आ जाऊँगा इंट्रोडक्शन पे कि ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका, यहाँ पे हेडिंग होगी और ये सारे का सारा आपने इसमें ये कंटेंट जो है ना अपना राइट डाउन करना है। आपने राइट डाउन कैसे करना है, वो उर्दू करना है या इंग्लिश में करना है, वो कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा जब आप लोगों को हो जाएगी तब वो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि आपने असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, वो उर्दू के कंटेक्स्ट में हो, वो इंग्लिश के कंटेक्स्ट में हो, या आपने कोई भी रिसर्च आपने कैसी करनी है उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और डियर स्टूडेंट आप लोग प्रॉब्लम ये आ रही है आप व्यूज़ नहीं देखते, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके जो है ना वो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनकी मुझे पेज पे व्यूज़ उनके नज़र नहीं आ रहे, इसलिए मैं भी डिसहार्ट हूँ। तो आप जब तक देखेंगे नहीं, लेक्चर्स को सुनेंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चल जाएगा कि आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझे कैसे, आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे कैसे पता चल जाएगा कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे। जो भी लेक्चर देख रहा है वो कम से कम लिखे तो सही, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भी फलाने कमेंट किया और वो देख रहा है। जब आप देखते नहीं है तो मैं आप लोगों को कैसे फिर ये अपलोड कर दिया करूँ, कैसे बना के कर दूँ। तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको ये अच्छी लगी है या नहीं लगी है, तो मैं नेक्स्ट जो है ना आपके लिए वीडियो या कंटेंट कैसे तैयार करूंगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग
जो है ना इस चीज को हाईलाइट रखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नए आने वाले जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर किस्म के लेक्चर अवेलेबल होंगे आने वाले दिनों में भी। मैं स्टेप बाय स्टेप लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर रहा हूँ। तो ये था स्टूडेंट आज के लिए, आपने APA फॉर्मेट के मुताबिक हाउ टू मेक योर असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू APA फॉर्मेट। तो ये था, इसके मुताबिक मैंने आज ये वीडियो तैयार करके अपलोड किया। उम्मीद आप लोगों को पसंद आगे, लाइक करें, शेयर करें और अपने स्टूडेंट को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये तमाम चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।